नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कोई भी यहाँ पे पांच खतरनाक लूट कुछ भी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक महीने पहले आपको यहाँ पे वीडियो में बोला था जिसको भी यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस में जॉब की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई इतने सारे कमेंट आए और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं आपको फाइनली वीडियो दे रहा हूँ। अगेन बता रहा हूँ, वीडियो 20-30 मिनट जितने की भी हो पूरी वीडियो देखना, प्लस यहाँ पे कान खोल कर सुनना, क्योंकि बहुत सारे 10 से 12 पॉइंट मैंने रखे हैं। तो आपको यहाँ पे कान खोल कर सुनना है, प्लस ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि ये मेन होने वाले हैं ये पॉइंट, ठीक है। और भाई इस वाली वीडियो पे मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000+, क्योंकि भाई इतनी सारे पॉइंट रिसर्च करने के बाद फाइनली वीडियो दे रहा हूँ। तो मैं चाहता तो 1 महीने पहले दे सकता था उसी टाइम, लेकिन भाई मैं ये नहीं चाहता कि थोड़े बहुत पॉइंट मिस हो या कुछ और बाद में बताऊं, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में आज सारे के सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो आपको बस वीडियो को पूरी देखनी है, प्लस यहाँ पे लाइक तो अभी से कर डालो, और प्लस लास्ट में मुझे बताना है कि 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हो मुझे, ठीक है, रिसर्च के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पे, उससे पहले आपको बताता हूँ, यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन का आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए, उससे क्या प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी लूट भी डालो तो सबसे नोटिस पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल को, उसके बाद आपको यहाँ पे यदि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन करना, क्या करना पड़ेगा, सर्च करना लूट बनी, तो लूट बनी पे जाना, और उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर 61,800 से करीब है, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी कोई अपडेट आता है या अर्जेंट अपडेट आता है, कोई अर्जेंट एयर ड्रॉप आता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अब उससे पहले यहाँ पे मैंने कम से कम 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने रख रखे हैं, तो अगेन बता रहा हूँ आपको यहाँ पे पूरी वीडियो यहाँ पे देखनी है, पूरी वीडियो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दूंगा। 10 पॉइंट मैंने लिख रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है वो अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। भाइयों जो पहला पॉइंट है मैंने रखा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सब जगह जब भी आपको जॉब चाहिए होती है तो सब जगह यहाँ पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस की बात नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस में जो भी यहाँ पे कम अंडररेटेड होती है, तो उसमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, भले आपकी एज 15 साल की हो, 17 की हो, 18 की हो, 25, 30, 35, कितने भी साल की हो, आपको यहाँ पे कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे काम आना चाहिए, क्रिप्टो स्पेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिप्टो की नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे ट्रेडर मार्केट मतलब, और यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहने का मतलब ये। और यहाँ पे आपसे कोई ये नहीं मांग रहा कि भाई आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे दो और या डिग्री चाहिए आपके यहाँ पे कॉलेज की डिग्री दे दो, ऐसा कोई कुछ नहीं मांगेगा आपको यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस में, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद ये आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ी बहुत इंग्लिश यदि नहीं आती तो भाई बहुत सारे टूल होते हैं या गूगल ट्रांसलेट से आप कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे यदि हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं आती आपको, तो आपको ऐसा पूछ लिखना है मुझे मनी चाहिए, तो बस आपको यहाँ गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, तो भाई आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, वैसे तो चैट जीपीटी आप बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बस बने रहना इस वाली वीडियो में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ बोला है थोड़ी बहुत इंग्लिश यदि नहीं आती, तो बहुत टूल और गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश थोड़ी मेन है इसमें, क्योंकि भाई इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, बाकी इससे इंग्लिश भी इंप्रूव हुई है जैसे मेरी हुई है, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल कसम से बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ना ट्रेंस आते थे ना कुछ नहीं आते थे, मेरी है ना लोगों से अंग्रेजों से बात कर करके मेरी सच में इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। और भी यहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश में स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ जिससे मेरी इंग्लिश और यहाँ पे इंप्रूव हो, ठीक है। अब जैसे देखते मैं ट्यूट ट्यूट करता हूँ इंग्लिश में करता हूँ मैं, ठीक है, वही ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, कोई भी यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज नहीं करता। स्टार्टिंग में आप ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग, क्योंकि भाई आपको स्टार्टिंग है, लेकिन बाद में जब आप 1-2 महीने 6-7 महीने 1-2 साल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट के बिना भी आप खुद इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को आती होगी, यदि जिनको नहीं आती उनके लिए बता रहा हूँ, मेरे जैसे लोग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट चीज, रिज्यूम, ठीक है। अब जैसे पता है कि रिज्यूम आपको यहाँ पे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जो होती है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सब में चाहिए होता है रिज्यूम, ठीक है। तो रिज्यूम कैसे बनाना, तो भाई आपको यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस में रिज्यूम नहीं चाहिए। रिज्यूम कोई कोई मांगता भी है, कोई कोई नहीं मांगता, वैसे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम प्रोजेक्ट वाले लोग नहीं मांगते, ठीक है। तो अब आती है मेन चीज, भैया आपको क्या क्या रिज्यूम में, मतलब आपको यहाँ पे रिज्यूम नहीं बनाना तो आपको क्या क्या चाहिए। तो पहले मैंने बोला है ट्यूटर अपना प्रोफेशनल बनाओ प्लस बायो, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब आपको बात समझा जाता हूँ, जैसे मैं अपने ट्यूटर पे आ जाता हूँ, प्रोफाइल पे मैं आ जाता हूँ, जैसे मैं देखो मेरे यहाँ पे बैनर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। लूट मनी नाम छोड़ो, ठीक है, आप कुछ और लिख लेना,
बैनर मेरा अच्छा लग रहा है, मेरी यहाँ पे प्रोफाइल फोटो भी मैंने डी गॉड्स की लगा रखी है, ठीक है ये भी आप सही है। उसके बाद अब बायो हो जाओ, बायो मेरी यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रही है ना, क्रिप्टो एंथुसियास्ट इन्फ्लुएंसर विद ओवर 150K+ फेम, एयरड्रॉप हंटर ट्रेडर एनएफटी अर्ली एडॉप्टर, माय ओपन इज माइन एक्सप्लोरिंग वेब 3.0 और सीईओ ऑफ दिस, ठीक है बस। और यहाँ पे देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके बाद मेन लिंक ट्री, लिंक ट्री की आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी कोई कांटेक्ट करेगा वो आपको यहाँ पे आपके टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, और भी जो भी आप सोशल मीडिया के हैंडल दोगे डिस्कॉर्ड के थ्रू आप यहाँ पे कर लेगा वो। अब यहाँ पे लिंक ट्री कैसे बनानी है वो आपको मैं बता देता हूँ, और जो भी लिंक मिलेगी वो आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, तो वहां से आप जाके बना लेना। अब जैसे आपको लिंक ट्री बनाना सिखाता हूँ, सबसे पहले लिंक ट्री की वेबसाइट पे आकर उसके यहाँ पे साइन अप करना, साइन अप की प्रोसेस में बताऊंगा ना। उसके यहाँ पे अपीयरेंस में जाना, अपीयरेंस में आने के बाद सबसे पहले अपनी खुद की इमेज, नहीं तो जिसकी इमेज आप डालना चाहते हो किसी एनएफटी की, उसके यहाँ पे इमेज डाल देना। उसके यहाँ पे प्रोफाइल आइटम डाल देना कि जैसे मेरे यहाँ पे एलएम, मतलब हमारा एलएम का सोशल हैंडल है, तो यहाँ पे हमने एलएम डाल दिया। आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बायो में डाल दो कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल से इतना एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अपने दिमाग से यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन क्रिप्टो स्पेस के ऊपर यहाँ पर डालना, क्रिप्टो एंथुसियास्ट हूँ, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे लिमिट है 80 वर्ड्स की, ठीक है। यहाँ पे छोटा ही डालना, ठीक है। उसके ये आपका काम हो गया खत्म, उसके यहाँ पे सेव कर लेना। सेव करने के बाद लिंक्स पे आ जाना, लिंक्स पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे कौन कौन सी लिंक यहाँ पे डालनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक डालनी है, जैसे कि मेरे टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे गौतम गुप्ता वर्ण, ठीक है। आपके यदि कोई YouTube चैनल है, वैसे तो होगा नहीं बहुत सारे लोगों के पास, तो यहाँ पे YouTube चैनल डाल देना। उसके आपको टेलीग्राम लिंक डालने के बाद अपने यहाँ पे ट्विटर हैंडल डाल देना, ट्विटर हैंडल डालने के बाद डिस्कॉर्ड आईडी यहाँ पे डाल देना। डिस्कॉर्ड डालने के बाद और क्या क्या चीज होती है, लिंक्डइन बिल्कुल मेन है, आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके डालने के बाद चार पांच चीज यहाँ पे हो गया, उसके यहाँ पे सेव कर लेना। उसके ऊपर नीचे जो भी यहाँ पे जमाना है वो यहाँ पे जमा कर सकते हो, ठीक है, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है, ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो ये वाला काम आपका कंप्लीट हो गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। भाइयों सेकंड पॉइंट में लिंक्डइन का मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट मेन है, जिसमें आप रिज्यूम या के सच्ची यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यदि जिसके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो आपको मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले नाम वाम अपनी ईमेल डालना, ईमेल डालने का इस वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल अपनी अच्छी सेट करनी है, ठीक है। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, स्कूल तो यहाँ पे डालना मत। यदि आप स्कूल में पढ़ते हो तो भाई यूनिवर्सिटी डाल देना, कॉलेज का नेम डाल देना, यहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल यहाँ पे लगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे स्टार्ट डेट डालना, 2-3 साल का यहाँ पे कर देना, 2023 से 2025 मैंने डाल दिया। उसके आपको 16 साल से ऊपर हो तो यहाँ पे यस कर देना, भले आप 16 साल से ऊपर नहीं हो लेकिन आपको यस करना है, क्योंकि यहाँ पे जॉब वैसे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन यदि आप 16 साल के 17 साल के हो तो यहाँ पे आप उस 16 आप कर देना है, ठीक है। उसके यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है, और आई एम नॉट ए स्टूडेंट आप करना चाहते कर सकते हो, और जो मैंने ईमेल डाले उस पे वेरिफिकेशन मेल आएगा, उसको मैं डाल देता हूँ। उसके आपके में ये वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट को कर दिया। उसके यहाँ पे जॉब टाइटल में डाल सकते हो, कुछ में यहाँ पे डाल दो भाई सेल्स मैनेजर, मतलब सेल्स मैनेजमेंट डालना, क्रिप्टो के बारे में डाल देना, ठीक है। क्रिप्टो एंड क्रिप्टो स्पेस में या कुछ जॉब लोकेशन में काम करना चाहते हो, ऑनलाइन ऐसे ऑफलाइन, वैसे इसमें ऑफलाइन मांगता है, लेकिन अब आपको ऑनलाइन यहाँ पे डाल देना, इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके ऐसे फर्स्ट में मैंने क्रिप्टो एनालिस्ट डाल दिया, उसके जॉब लोकेशन में यूएस प्लस इंडिया डाल दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे डाल देते, क्योंकि अभी तो हमको प्रोफाइल बनानी है, ठीक। प्रोफाइल आपको इसलिए बनानी क्योंकि जो भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी आएंगी क्रिप्टो स्पेस में, वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको यहाँ पे अच्छा दिखेगा, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल आपको दिखेगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके नेक्स्ट और ये मेरा अकाउंट है, मैं क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल लिंक ले लेनी है। प्रोफाइल लिंक कैसे लोगे, जैसे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब जैसे कि आप सब डिटेल्स यहाँ पे भर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा अपने आना है मी वाले सेक्शन में, या व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, उसके इस वाले पेज पे जाओगे। उसके जो आपने ट्विटर पे अपने इमेज डाली है, लोगो डाला है, वो यहाँ पे डाल देना सेम टू सेम, और जो ट्विटर पे आपने बैनर डाला है वो यहाँ पे डाल देना। अब ये तो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई बनवाना पड़ेगा, किसी से नहीं बनवाना पड़ेगा, तो भाई बैनर आप चाहो तो किसी एनएफटी प्रोजेक्ट डाल सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे डाउन करके यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, सिंपल है। नहीं तो फिर आप अपना खुद का यूनिट बनवा चाहते हो तो भाई वो आपका सजेशन है, आप करवा सकते हो, मैं राय नहीं देता हूँ, ठीक है। तो और भी जो भी आप भरना चाहते हो भर सकते हो, वैसे तो नहीं काम करना। उसके बाद आपके यहाँ पे ये प्रोफाइल जो यूआरएल आ रहा है, ये आपके यहाँ पे लिंक है, सो कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जो लिंक ट्री वेबसाइट है, इसमें यहाँ पे लिंक्डइन की वेब इसमें चिपका देना, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 4-5 सोशल हैंडल यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया। अब दोबारा आता हूँ अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मैंने बोला एक हमेशा रिज्यूम मैसेज सेव रखो, जो आपको उनको भेजोगे लाइक हाय बड़ी, ठीक है। अब देखो ये दो ये बोलना, ये हाय बड़ी माय नेम इज दिस, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो स्पेस, ऐसा कुछ आपको अच्छा सा मस्त 400 से 500 वर्ड का लिखना है,
और टेक हेल्प चैट जीपीटी से फॉर मेक अ गुड रिज्यूम। रिज्यूम नहीं है मतलब एक टेक्स्ट बनाना है आपको, ठीक, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद कुछ भी यहाँ पे आपका बड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें नोट्स में भी सेव कर लेता हूँ। नोट्स में सेव करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में ये सब चीज लिखने के बाद जो आपके यहाँ पे लिंक ट्री की लिंक है ना, जॉइन लिंक ट्री की लिंक बनाई है, ऐसे कि मेरी लिंक ट्री की लिंक कौन सी है, मेरी तो ये वाली है, ठीक है, लिंक ट्री LM सोशल, तो लास्ट में इसको चिपका देना, ठीक है। आपके पूरा वर्ड लिखने के बाद सब चीज अच्छे से 10-20 मिनट रिसर्च करके और सोच समझ के करने के बाद आपको यहाँ पे लिखने के बाद लास्ट में लिंक ट्री चिपका देना, और पूरा यहाँ पे जो पूरा आप 400 से 500 वर्ड का लिखोगे, एक रिज्यूम या कुछ टेक्स्ट लिखोगे, उसको यहाँ पे कहीं पे सेव कर लेना फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो भी आपने लिखा है ना, ये सारे के सारे में काम आने वाला है। क्योंकि भैया आप इसमें लिख सकते हो, भाई मैं क्रिप्टो एनालिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे एडवाइजर काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिटी समझ सकता हूँ, मेरे में इतना एक्सपीरियंस है और मैंने इतनी कम्युनिटी को मतलब कराया, मतलब ऐसे कि आप भले करा कुछ नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं करा हो, लेकिन आपको लिख देना है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट नेम मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसे जिसको जैसे कुछ प्रोजेक्ट में आप भेजो तो उनको लगे भाई हाँ भाई इस बंदे ने कुछ काम करा है पिछले 10-20 दिन में, एक दो साल में, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। भले आपने कुछ काम नहीं करा हो, लेकिन आपको यहाँ पे अपने रिज्यूम में लिख देना है ये टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये वाला काम आप कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको अच्छा खासा है ना, मैं आपको मेरा अपना इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई बहुत सारे लोग उसको कॉपी करने लग जाएंगे, इसलिए मैं अपना नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब ऐसे ये वाला काम कम्प्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आता हूँ, ठीक है। ये तो उसके आप चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हो, कैसे हेल्प ले सकते हो आपको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अब जैसे कि भाई मैंने चैट जीपीटी का यूज करके मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट जॉब इन क्रिप्टो स्पेस, मेक अ गुड रिज्यूम 300 वर्ड एज अ कम्युनिटी मैनेजर। आप यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर जगह यहाँ पे लिख सकते हो, क्रिप्टो एनालिस्ट, एडवाइजर, बहुत सारे रोल आपको बताऊंगा भी आगे, तो उसको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चिपका सकते हो जो भी करना चाहते हो, ठीक है। तो उसने यहाँ पे 300 वर्ड का बहुत लंबा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिज्यूम की तरह लिखा है बिल्कुल, अपना नाम डाल देना, एड्रेस डालना मत, सिटी में कुछ अपना इंडिया डाल देना, तो भाई US डाल देना, उसके फोन नंबर डाल देना, उसके ईमेल एड्रेस, फोन नंबर मत डालना, ईमेल एड्रेस डाल देना, उसके यहाँ पे बैचलर डिग्री मास्टर ये रहने देना, उसके फील्ड ऑफ स्टडी में आपके यहाँ पे इसको रहने देना, उसके यूनिवर्सिटी नाम डाल देना, उसके कौन सी ईयर में करी वो यहाँ पे डाल देना, और यदि नहीं करी जब भी यहाँ पे डाल देना कुछ भी, ठीक है, जो यहाँ पे 16-17-18 साल के हैं, ठीक है। उसके ये तो हो गया, उसके करंट प्रीवियस जॉब टाइटल, तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का, क्रिप्टो स्पेस के प्रोजेक्ट कुछ भी यहाँ पे नाम डाल देना, उसके ये तो छोड़ देना, ठीक है। मतलब कुछ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन यहाँ पे काट दो, ऐसा नहीं भैया फिक्स चिपकाना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे बस ये सर्टिफिकेशन नेम है, ये भी यहाँ पे काट सकते हो, डेट टर्न ये भी काट दो बस, और थोड़ा बहुत अपने तरह से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हो गया कि ये चलता नहीं है इसमें क्रिप्टो स्पेस, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बताया ना आपको कि भैया आपको यहाँ पे ये शब्द यूज करने हैं, बड़ी बड़ी की जगह आप मेड्स यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। माय नेम इज दिस, आई इतना एक्सपीरियंस है क्रिप्टो स्पेस में, मैंने इतने कंपनी में काम कर सकता हूँ, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, प्लस ये मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे आपको लिख देना है, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब ऐसे ये हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये आपको हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट पूरा कवर आपको कर दिया है, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने क्या रहा है, कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन तो भाइयों हर जगह किसी भी फील्ड में देख लो, ठीक है, तो आपको पता है, आपको पता भैया क्या मगजमारी हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लेकिन आपको 95% गारंटी है किसी न किसी में लग जाएगी 1-20 दिन के अंदर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देखो भैया कंपटीशन तो आप यहाँ प्राइवेट में ले लो, मतलब प्राइवेट अभी छोड़ो, प्राइवेट में तो भाई लग जाती है इजिली, लेकिन भैया नौकरी मतलब रुपए बहुत कम मिलते हैं, 8-10-15-20 हज़ार, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में करोगे भाई 3-4, 10 लाख, 5 लाख, भाई 10 लाख लोग यहाँ पे वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10-20 हज़ार सिलेक्ट होते हैं, तो भाई आप खुद ही देख लो भाई कॉम्पिटिशन कितना है, 5-10% लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं, ओनली 5-10%, ठीक है। अब भाई क्रिप्टो स्पेस में ये है, आपको चीज में बताऊंगा आगे, ये तो मैंने कॉम्पिटिशन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आती नेक्स्ट बात, व्हेन यू सीन दिस वर्ड लाइक हायर, यदि आपको ये वर्ड कहीं पे दिखता है कि हायर, CM, एडमिन, मोड, एम्बेसडर, तो आपको यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे जॉब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फो आपको मैंने दे दी कि आपको यहाँ पे ये 4-5 वर्ड दिखे हैं, तो आप समझ लेना कि भाई यहाँ पे जॉब दे रहे हैं, कहीं पे भी ट्विटर में देखते हो या कहीं डिस्कॉर्ड में देखते हो या कुछ है, तो आपको यहाँ समझ लेना कि ये जॉब दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैं थर्ड में आपको बताया ना कि 1-20 दिन के अंदर लग जाएगी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, आपको आपको बताऊंगा कि भाई कैसे लगेगी वो जॉब। अब आती है मेन चीज, हाउ टू गेट अ जॉब, ठीक है, किस बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी। अब पहला शब्द है यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट का मतलब ये डिस्कॉर्ड में आपको यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट करनी है, टेलीग्राम पे कम्युनिटी मैनेजमेंट करनी है, मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे यूजर संभालना है, ठीक है, मतलब यूजर की हेल्प करनी है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है वो उसको यहाँ पे रिप्लाई देना है, एडमिन से सही के आंसर पूछ के, ठीक है, उन
क्रिप्टो प्रोजेक्ट से आंसर आंसर पूछ के फिर आपको यहाँ पे उनको यूजर को यहाँ पे बताना है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका हो गया एनएफटी आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग आर्ट बनाते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे बहुत अच्छे खासे नॉलेज होगी और इसमें यहाँ पे ज्यादा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा रुपए भी मिलते हैं एनएफटी आर्टिस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया जो भी यहाँ पे आपको दिखता है। तो आपको जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आया एनएफटी से रिलेटेड और आपको लग रहा है कि इसकी अभी आर्ट नहीं बनी, ठीक है, तो आप उनको आगे से डीएम करके अपने यहाँ पे आर्ट दिखा के आपको यहाँ पे उनसे मतलब जॉब करवा सकते हो, प्लस यहाँ पे जॉब अपनी लगवा सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग या टोकन जो भी एनएफटी देंगे वो यहाँ पे दे देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आती है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर का मतलब ये हो गया भैया आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वीडियो बना देना, बहुत अच्छा खासा फोटो बना देना। बहुत सारे आपने ग्राफिक डिजाइनर देखे होंगे और जो भी यहाँ पे क्रिप्टो स्पेस में प्रोजेक्ट आते हैं तो भाई यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर तगड़े वाले होते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आपको यहाँ पे बताता हूँ डिगोर्स आया था, भाई डिगोर्स ने एक वीडियो दी थी अपनी, तो भाई बहुत तगड़ी वीडियो थी, अच्छे खासे ग्राफिक थे उसके, तो उसको ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। तो भाई आपने में से मतलब यदि आपके पास ग्राफिक डिजाइनर को कोर्स नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे यहाँ पे रोल है, आप कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हो, मोड बन सकते हो, एडिट बन सकते हो और एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो जो सिंपल है, ठीक है, ये आपको मैं बता दें। उसके यहाँ पे आता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर का मतलब ये है कि जो भी यहाँ वेबसाइट बनाना चाहता है फ्रंट एंड बैक एंड की वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं बनाना जिसको यहाँ पे नहीं बनानी आती तो यहाँ पे ये वाला रोल स्किप करो, ठीक है। उसके बाद एडवाइजर। एडवाइजर कम से कम 5 प्रोजेक्ट में हूँ लेकिन मैंने अभी रिवील नहीं किया है, ठीक है। तो एडवाइजर में क्या होता है आपको यहाँ पे उनको बताना होता है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में एडवाइजर हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से यहाँ ग्रो करा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पे यहाँ से ग्रो सकता हूँ। प्लस एडवाइस देनी पड़ती है कि भाई क्या कैसे कैसे यहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे कैसे आपको इस प्रोजेक्ट को आगे चलाना है और लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, आपको यहाँ पे एडवाइस देनी पड़ती है मतलब उस वाले प्रोजेक्ट को, ठीक है। और कोलैब मैनेजर ना क्या हो गया, कोलैब मैनेजर ऐसे कोई एनएफटी का कोई प्रोजेक्ट है तो कोलैब करना पड़ेगा किसी अनदर प्रोजेक्ट से, अनदर एनएफटी प्रोजेक्ट से नहीं तो डाओ वालों से। बस भाइयों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे मोड। मोड और एडमिन सेम तरह का, जैसे कम्युनिटी मैनेजमेंट होता है मोड और एडमिन वही काम करते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट करनी है मतलब लोगों को रिप्लाई देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए, तो एक्टिव होने का मतलब ये कि भैया आपको यहाँ पे जो भी आप जब भी मोड बनते हो कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हो तो भाई आपको यहाँ पे यूजर की हेल्प करनी है, प्लस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आपको यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग ही 2-5 दिन तो एक्टिव रहना ही रहना है, बाकी आपको थोड़ी देर में एक पॉइंट और आएगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है, उसके आता था मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर का रोल क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप किसी प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर के रूप में लग गए, तो आप उस वाले प्रोजेक्ट को बोलो कि भाई मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऊपर ऊंचाइयों पहुंचाया है, मतलब यहाँ पे बहुत ग्रो करवा उस वाले प्रोजेक्ट को, और आप यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर का रोल दोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मतलब आपका प्रोजेक्ट ग्रो हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताओ। प्लस यहाँ पे उन प्रोजेक्ट के बारे में बताओ मतलब किस किस प्रोजेक्ट ग्रो करवाया, भले ही आपने ग्रो नहीं करवाया लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जो आप टेक्स्ट बना रहे हो रिज्यूम बना रहे हो उसमें यहाँ पे नाम लिख देना उस वाले प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आर्ट क्रिएटर। आर्ट क्रिएटर जस्ट लाइक यहाँ पे जो मैंने बताया आपको एनएफटी आर्टिस्ट सेम तरह का है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट होगा आर्ट क्रिएटर में कि यहाँ पे मतलब एनएफटी की जगह और भी आप आर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट जो भी वीडियो उसको बनवानी हो आर्ट मतलब वीडियो नहीं आर्ट की आर्ट जैसी वीडियो बनवानी हो उसकी तरह। उसके आता है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर भी सेम ग्राफिक डिजाइनर की तरह आता है लेकिन ग्राफिक डिजाइनर थोड़ा यहाँ पे प्रो में आ गया लेकिन वीडियो एडिटर थोड़ा यहाँ पे लो में आ गया, ठीक है, लो कैटेगरी में आ गया। तो वीडियो एडिटर में क्या होता है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यू आया, न्यू आने के बाद वो यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो निकालते हैं मतलब उस एनएफटी की वीडियो या कोई कोई टोकन की वीडियो निकालते हैं, तो उस वो अच्छी जिससे लोगों को यहाँ पे इंप्रेशन जमता है कि कितनी अच्छी वीडियो है, कितने यहाँ पे ग्राफिक अच्छे हैं। तो यहाँ पे वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइन सेम तरह मान लो लेकिन वीडियो एडिटर थोड़ा यहाँ पे लो क्वालिटी में आ जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे कम नॉलेज है वो वीडियो एडिटर में आ गया, आपको ग्राफिक डिजाइन करना है तो यहाँ पे प्रो में आ गया वो, ठीक है। उसके लास्ट आता जो रोल है वो है ब्लॉकचेन कोडिंग, ठीक है। अब ब्लॉकचेन कोडिंग को आपको यहाँ मार्क कर लो क्योंकि भाई इतने यदि जिसके जिसको भी यहाँ ब्लॉकचेन की कोडिंग आती हो लाइक रस्ट में जावा में तो भाई उसके लिए पर मंथ इनकम यहाँ पे $2 नहीं मिनिमम $3 से $10 तो फिक्स हो गई, ठीक है।
मिनिमम 3K डॉलर से 10K डॉलर। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि यहाँ पे ब्लॉकचेन कोडिंग कैसे करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कम से कम 1 से 2 साल यहाँ पे आपको लग जाएंगे ब्लॉकचेन कोडिंग सीखने में, यदि आपको प्रो बनना है तो। ठीक, मैंने यहाँ पे 1 महीने सीखी थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉकचेन कोडिंग में, मुझे तो यहाँ पे एयर ड्रॉप में इंटरेस्ट है, तो मैंने आपको 1 महीने बाद छोड़ दी थी। लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि करनी है ब्लॉकचेन कोडिंग तो भाई आपके लिए मजा जाएगा, बस आपको यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पे पेड़ मत करना, फ्री में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में मिलेगी, जैसे कि आपको पता है मैं अर्ली में बहुत प्रोजेक्ट देता हूँ, इससे क्या पता है मैं दुनिया भर के प्रोजेक्ट आपको अर्ली में देता हूँ कि भाई कोई यहाँ पे 200 फॉलोअर का, कोई यहाँ पे 400, कोई 600 फॉलोअर का कभी। ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट में जाओ, एडमिन को रिज्यूम वगैरह आईबी में सब चीज बताओ अपनी बस, एंड आपको ट्विटर पे डीएम करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट में सब कुछ आपको मैं एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, और आपको वैसे कहाँ का डीएम करना है इसी मैं बता दी, आपको ट्विटर पे डीएम करना है, उनके यहाँ पे फाउंडर को, को फाउंडर को टीम को यहाँ पे करना है, प्लस यहाँ पे उनके को फाउंडर को भी ट्विटर पे डीएम करना है, मतलब उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी करना है, प्लस यहाँ पे को फाउंडर को करना है, यदि उनका ट्विटर हैंडल आपको मिल जाता है तो। ठीक है, अब आपको बताता हूँ यहाँ पे पता कैसे लगे, सब कुछ करो आपको यहाँ पे को लैब लैंड में नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, कहीं आप लेने मत लग जाना इसमें। ठीक है, कहीं जॉब लेने लग जाओ इसमें, ऐसा नहीं है। अब ऐसे को लैब लैंड में आगे उसके यहाँ पे राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे को लैब टीम है, एपी टीम, मतलब यहाँ पे टीम है, कोई यहाँ पे सीईओ है, कोई यहाँ पे सीटीओ है, कोई यहाँ पे सीएमओ है, कोई यहाँ पे को फाउंडर है, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी भी आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो, क्लिक करके मैसेज मैसेज पे जाओ और मैसेज कर दो, और जो भी आपने यहाँ पे रिज्यूम बनाया, जो कोई टेक्स्ट फॉर्मेट बनाया लंबा 400 से 500 वर्ड का, उनको यहाँ पे भेज दो। ठीक है, और आपको एक चीज बता देता हूँ जो मैं बताने बोले, जैसे कि इस बंदे ने आप अबाउट मी में यहाँ पे डिस्कॉर्ड सच बायो लिखा कि ट्विटर की तरह, तो जो मैंने आपको बताया था ट्विटर पे बायो लिखना चाहिए, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी सेम बायो लिख देनी है लिंक ट्री को ऐड करके, ऐसे कि इस बंदे ने लिंक ट्री अपना नाम लिख दिया और लिंक ट्री की बना ली बायो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट में बताया था। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको पॉइंट कि भैया आपको यहाँ पे डीएम कैसे करना पड़ेगा, आपको उनके ट्विटर पे या डिस्कॉर्ड पे प्लस उनकी टीम को यहाँ पे डीएम कर देना है, यदि उनको यहाँ पे जॉब मतलब उनको कुछ भी यहाँ पे लोग जरूरत है तो हायर कर रहे हैं तो वो लोग। ठीक है, अब आपको मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ, इसमें एक और चीज बताता हूँ, जैसे पता है कि मैं वीडियो आज डालने वाला हूँ, तो भाई आप बहुत सारे लोग ओल्ड वाई प्रोजेक्ट में भी जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्च भी करेंगे, सर्च करेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा अपने हिसाब से अर्ली प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो। ठीक है, लेकिन जो मैं प्रोजेक्ट बता रखे हूँ उसमें यार लोग जाएंगे तो भाई उनके लिए बता देता हूँ, भाई आज ट्राई मत करना जॉब लेने के लिए भाई, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है, तो आपको यहाँ पे जॉब बल्ली जो मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ अभी, वो यहाँ पे आप कान खुल के सुन लो, प्लस अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो जॉब आपको यहाँ पे 2-4-5 दिन बाद लेनी नहीं, जब यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाए, क्योंकि आज सब लोग जाएंगे तो भाई ट्रैफिक आ जाएगा ना, वो रिप्लाई देंगे ना किसी को जॉब लेगी, प्लस यहाँ पे स्पैम और चालू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जब भी मैं प्रोजेक्ट देता हूँ 2-5 दिन बाद, तो आपको यहाँ पे उनसे किसी न किसी मोड जो मैंने बताया टीम मेंबर को डीएम कर देना, लेकिन आज मत करना। ठीक है, आप आज कहने लग जाओ ओल्ड प्रोजेक्ट, लेकिन जो आप न्यू प्रोजेक्ट अपने हिसाब से सर्च करते हो ट्विटर पे जाके, तो उसमें तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला है, क्योंकि वो आपने खुद ने रिसर्च करी है, इसलिए समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले जॉब आपके यहाँ पे आज ही लगेगी, लेकिन आपके आराम से 2-5-10-20 दिन बाद आराम से आपके यहाँ पे जॉब लगने वाली है, ये पक्का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ कि भैया आपको बाय द वे योर जॉब इज फुल टाइम, तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो आप जॉब लगेगी 2-5-10 दिन बाद कि वो फुल टाइम होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा कर देता हूँ, नो इट्स नो फुल टाइम, इट्स ऑल्सो नॉट पार्ट टाइम। जैसे किसी में कुछ बनते हो जब आपका मन करे मैनेज करो, बट स्टार्टिंग के 3 से 10 दिन अच्छे से मैनेज करना, बाद में कहीं फ्री टाइम करो प्लस साथ में एयरड्रॉप। तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ, सपोज करो आपको यहाँ पे जॉब लगी, जॉब किसमें लगी, तो मेन तो जॉब लोगों को लगेगी यहाँ पे जो मैंने बताई आपको यहाँ पे, एक तो लग सकती है आपकी कम्युनिटी में, मैनेजमेंट में, एडवाइजर में, कोलम मैनेजर, मोड एडमिन, और यहाँ पे वीडियो एडिटर, और मेन तो इसमें लगेगा वो जो 5-6 मैंने आपको यहाँ पे रोल बताए। ठीक है, अब सपोज करो आपके यहाँ पे मतलब जॉब लगी कम्युनिटी मैनेजमेंट में, कम्युनिटी मैनेजमेंट जॉब लगने के बाद आपको यहाँ पे लोगों को यहाँ पे संभालना है, संभालने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लगते हैं तो सबसे पहले उसके रिसर्च कर लेना है कि भाई ये प्रोजेक्ट किस बारे में, तो जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको लोगों को रिप्लाई देना, यदि आपके पास वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो भाई उनके टीम मेंबर से पूछ सकते हो कि भैया इसका आंसर क्या है, तो फिर आप लोगों को दे दो रिप्लाई। ठीक है, तो बस आपको मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट भी सपोज करो आप आज आपको जॉब लगती है तो आपको स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, मतलब अच्छा खासा एक्टिव रहना है, जिससे यहाँ पे जिस टीम में
टाइम मैंने आपकी जॉब लगाई हो उसकी नजर में आप आ जाओ और आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाए और आपको यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए, वीकली मंथली में दे देंगे वो पेमेंट, ठीक है। अब आपको ये बता देता हूँ, बाद में 5 दिन बाद जाओ अच्छे खासे यहाँ पे कर लेते हो उनके एड में और इम्प्रेशन में आ जाते हो, तो आप बाद में अगर हल्के में ले सकते हो। हल्के में लेने का मतलब ये आप 2-5 घंटे जब भी टाइम मिले आपको जम के रिप्लाई करो, जब नहीं मिले मत करो और एयर ड्रॉप करने लग जाओ बीच बीच में, मतलब करने वैसे तो स्टार्टिंग कर सकते हो आप एयर ड्रॉप, लेकिन आप 1-2 दिन तो आपको अच्छा खासा उनको मैनेजमेंट करना है, टीम को इम्प्रेस करना है, जिससे आपको यहाँ पे और अच्छी खासी यहाँ पे आपकी सैलरी ग्रोथ हो, प्लस यहाँ पे आपकी और मतलब फिक्स हो जाए आपकी मतलब जॉब, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बस यही है। और प्लस यहाँ पे एयर ड्रॉप तो छोड़ना नहीं है 5 दिन बाद, मतलब एयर ड्रॉप तो करना ही करना है भले आपकी जॉब लगे, मतलब कि एयर ड्रॉप तो छोड़ना ही नहीं है आपको फ्री वाला, ठीक है। तो ये समझा दे। उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोजेक्ट आपको वीकली मंथली पे करेंगे, आपको मैंने बता दिया प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे करेंगे वीकली, कोई प्रोजेक्ट करेंगे आपको मंथली एसेस करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कि इसमें आपको रिस्क फैक्टर ये है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कैम निकल जाता है, वैसे स्कैम तो निकलते नहीं है, स्कैम जब निकलते हैं मतलब निकलते नहीं है छोड़ो वो तो, ठीक है, 2 से 3% निकलता है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्कैम प्रोजेक्ट है, स्कैम प्रोजेक्ट वो उनके लिए इसलिए होता है क्योंकि वो एयर ड्रॉप नहीं देते, वैसे तो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए चलता है भले उसकी ग्रोथ कम हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, लेकिन वो पे ओनली उन्हीं करते हैं जो यहाँ पे उनके लिए मोड को करते हैं, एडमिन करते हैं, जो भी यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट है ऑनलाइन मैनेजर उनको यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा यूजर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स कर लिए, तो भाई वो कैसे पे करवाएंगे उनके पास बजट ही नहीं है, तो भाई इसलिए बहुत सारे लोग स्कैम बोलते हैं, लेकिन स्कैम उस टाइप में नहीं, जॉब वाले में वो स्कैम नहीं हुआ, जॉब वाले में स्कैम तो 2-3% हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो भाई जैसे कोई प्रोजेक्ट में लगते हो तो बस ये एक ही दिक्कत है कि आपको यहाँ पे मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे मेहनत तो वेस्ट नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी किस टाइप में हमको लेना है किस टाइप में नहीं लेना है, वेरी सिंपल, ठीक है। और आपको यहाँ पे पेमेंट आपको वीकली मिलेगा मंथली मिलेगा और किस टाइप में मिलेगा मतलब किस मेथड में मिलेगा बताता हूँ। जैसे कोई एनएफटी का प्रोजेक्ट है तो आपको पेमेंट मिलेगा एनएफटी में, यदि कोई प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पे टोकन प्रोजेक्ट है तो आपको पेमेंट मिलेगा टोकन में, ना कि यूएसडीटी ना कि स्टेबल फंड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो एनएफटी सेल करके या जो भी टोकन मिलते हैं उसको सेल करके आप यहाँ पे बोलो यूएसडीटी में आपका फंड आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। बेस्ट तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो जो भी प्रोजेक्ट पे बेस्ड है उस प्रोजेक्ट पे आपको पेमेंट करेंगे, एनएफटी पे टोकन पे स्टेबल कॉइन बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। एक बार आप उनसे पूछ लेना एक बार और, ठीक है, जब भी आप जॉब लगे 2-5 दिन पूछना, स्टार्टिंग में पूछना। और एक्स्ट्रा इन्फो में ये देना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट आप अपनी तरफ से ट्विटर पर रिसर्च कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें जिससे आप यहाँ पे इजीली जॉब ले सकते हो, यदि जो मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा तो उसमें ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक 2-5 दिन बाद वो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज मैं ये बताता हूँ कि आगे से कई प्रोजेक्ट वाले से पूछना मत कितना दोगे, सपोज करो आपके यहाँ पे जॉब लगी, जॉब लगने के बाद ये मत पूछना, और जॉब लगने से पहले तो गलती से पूछना ही मत भाई कितने रुपए आपको देने वाले हैं, जॉब लगने के बाद पूछना मत, जॉब लगने के 5-6 दिन बाद आप पूछ सकते हो मैनेजमेंट करने के बाद कि भाई आप पेमेंट कब दोगे कितना दोगे किस मेथड पे दोगे आप ये पूछ सकते हो, लेकिन जॉब लगने से पहले जॉब लगने के 2-4 दिन बाद पूछ सकते हो, बीच में और पहले मत पूछना, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं बताया 2-5 दिन बाद काम करो फिर कभी पूछना, बाकी यदि कोई आर्ट वेब यदि कोई आपसे आर्ट बनवा रहा है वीडियो एडिट करवा रहा है वेब डेवलपमेंट करवा रहा है तो जैसे उसका काम हो जाता है जैसे आप उसको यहाँ पे सर्व कर देते हो तो उससे आप अपना पेमेंट मांग सकते हो, सिंपल मेथड बस सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। उसके 9th पॉइंट आता है डोंट फॉल इन स्कैम, ठीक है। इसमें यदि कोई प्रोजेक्ट आपको बोलता है आपको जॉब लगने के लिए हमको यूएसडीटी या रुपए पे करो तो आपको गाली दे के आ जानी है बिकॉज वो स्कैम प्रोजेक्ट, मतलब गाली देने का मतलब ये है इन दी सेंस कि मतलब वो प्रोजेक्ट स्कैम है, आपको उसमें 1 रुपया पे नहीं करना है, आपको वो प्रोजेक्ट स्किप करना है और कुछ नहीं है, डेट सेट। आपको यहाँ पे जो भी कोई यहाँ पे जॉब लगेगी वो आपको यहाँ पे कभी आगे से 1 रुपया नहीं मांगेगा, जो भी कोई रुपया मांगता है तो भैया आपको उसमें नहीं जाना, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के आप इसको सुन लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, एट लास्ट तुम्हारे भाई को कुछ मतलब कोई भूलना मत किसी में जॉब लग जाए तो अच्छी खासी में, ठीक है, क्योंकि जैसे सीएम बन जाते हो तो भाई अच्छे प्रोजेक्ट में वाइटस देना मतलब बैठे दिलाना एलएम डाओ से कोलैब करना, जिससे आपका ही फायदा होगा, प्रोजेक्ट वाले का फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, ठीक है। और प्लस कोलैब करना प्लस जो भी यहाँ पे एलएम यूजर यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करना कि आप उनको वायरटेस्ट रोल दे दो आप इजी तरीके से, ठीक है, जो भी क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं हो प्लस हमारे लोगों को भी आप हेल्प कर सको, आपकी तो हेल्प हो ही रही है, बस सिंपल मेथड है, ठीक है, मतलब सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट बता दिए, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, जितने पॉइंट थे सारे, जितने भी डाउट थे आपके मन में सारे के सारे
पॉइंट मैंने 10 पॉइंट में क्लियर कर दिया। और मेन पॉइंट अब कौन कौन से होने वाला है, एक तो रिज्यूम वाला पॉइंट होने वाला है, सेकंड वाला एक होने वाला है आपका हाउ टू गेट अ जॉब, और प्लस यहाँ पे रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो जो आप पढ़ लेना जो मैंने बताया। तो बस इस रूम में था, यदि आपको वीडियो अच्छी लाइक कर देना, लाइक का टारगेट इतना 2000+ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगती है, कसम से बता रहा हूँ। एक महीने बाद वीडियो आई है क्योंकि भाई रिसर्च कर रहा था, इतने पॉइंट फाइंड कर रहा था, जिससे यार मैं ये नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे एक दो दिन बाद और पॉइंट बताऊं। मैं आपको इस वाली वीडियो में सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए, आई होप आपको समझ में आ गया। बस मुझे ये बता दें लास्ट में कि 10 में से आप कितने नंबर दोगे, 9 दोगे, 8 दोगे, 7 दोगे, 6 दोगे, 5 दोगे, और प्लस यहाँ फीडबैक देना चाहते हो तो कुछ फीडबैक दे देना, प्लस ऐसे यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड और भी यहाँ पे सीरीज आती रहेंगी, जैसे कि BTC की आई, अब यहाँ पे जॉब की आई, और भी यहाँ पे अपकमिंग ट्रेंड की यहाँ पे वीडियो आती रहेंगी। बस यहाँ पे सपोर्ट करो, प्लस 2000 लाइक का ट्राई करता हूँ, 2000 लाइक यहाँ पे कर देना, और कुछ यहाँ पे चाहिए नहीं, थैंक यू, और तो कुछ बस थैंक यू अगेन।